तमाम दफ्तरों पर छापेमारी की है। आपको पता है आपके सहयोगियों को बुलाया है। राणा ने अभी हाल ही में वो दुखी थी इसलिए कि देखिए मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि वो अकेली महिला है, उनके भतीजे हैं भतीजी हैं, अब माँ है नहीं बाप है नहीं, तो एक अकेली महिला जब और वो कांग्रेस पार्टी में बहुत जिम्मेदार पदों पर रही हैं, प्रदेश की महामंत्री रही हैं, उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, और अब जब चलो मेरे घर पे तो चलो विधायक लोग आए भी थे, कांग्रेस के विधायक और आए थे जब जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने भाई ये तो सुनिश्चित है कि वो कोई उन्होंने कोई गबन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ये तो राजनीतिक रूप से छापा था। अब राजनीतिक रूप से अगर छापा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण छापा है, तो कम से कम कांग्रेस को खड़ा तो होना चाहिए था ना। मेरी बात हुई थी उनसे और वो इतनी दुखी थी, कहेंगे इस पार्टी में रह के क्या करूँगी मैं, जिस पार्टी में भाई अगर किसी पार्टी में आदमी रहता है किसी परिवार में रहता है तो दुख सुख में परिवार नहीं खड़ा होगा क्या, तो वहाँ वो जायज है, देखिए बिल्कुल जायज है। मैंने उनसे बात की थी कि भाई ऐसा निर्णय क्यों ले रही है, तो वो बहुत दुखी थी, न महिला कांग्रेस न युवा कांग्रेस न कोई किसी ने भी कोई भी जाके घर पे जाके या ढाढ़स बंधाता, पार्टी एक दिन कार्यक्रम कर देती बयान दे देती कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो आज ऐसी नौबत नहीं आती। तो देखिए ये पार्टी को खड़ा तो होना ही पड़ेगा ना, पार्टी नहीं खड़ा होगी पार्टी परिवार खड़ा नहीं होगा भाई, जिस मैक्सिमम टाइम जिस परिवार के लिए आप देते हो और वो परिवार आपके साथ खड़ा नहीं हो तो दुख तो होता ही है।